चलिए दोस्तों, आज है हमारे पास डीप फ्रीज और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ डीप फ्रीज में हाइड्रोकार्बन गैस किस प्रकार से डालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, गैस डालने के लिए हमें तीन टॉपिकों से गुजरना पड़ता है। नंबर एक, प्रेशर डालना, उसके बाद वैक्यूम करना, उसके बाद गैस डालना। तो सबसे पहले स्टेप है हमारा प्रेशर डालना। तो इस प्रकार का आप लोग मीटर यूज कर सकते हैं, लाल वाला जो मीटर आता है, ठीक है। और साइड वाली नली को हम डायरेक्टली कंप्रेसर में देखिए इस प्रकार से लगाएंगे। यहां से कंप्रेसर का प्रेशर निकलता है, उसी प्रकार से हम इसको मीटर को लगाएंगे। और सबसे पहला जो स्टेप होता है दोस्तों, वो होता है हमारा फ्रिज में यानी कि फ्रिज में प्रेशर डालना, जिससे पता चले कि हमारे जो फ्रिज में वो लीकेज है या नहीं है, ठीक है। फ्रिज में तकरीबन आप लोग जैसा ये डीप फ्रिज देख रहे हैं, ये 180-200 लीटर तक फ्रिज है, तो इसमें आप लोग 250 से 300 प्रेशर डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर ज्यादा डालते हैं दोस्तों प्रेशर, तो आप लोगों को नुकसान हो सकता है और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, 250 से 300 के बीच में ही आप लोगों को प्रेशर डालना है, ठीक है। अब प्रेशर डालने के लिए आप लोगों को देखिए इस प्रकार से लगा लेना है, यानी कि नाली लगा लेनी है, और फ्रिज के अंदर माइनस लीकेज भी होगी तो इस प्रेशर से हमारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतना प्रेशर पहला हो चुका है हमारा, अब थोड़ा सा कुछ देर और वेट करेंगे तो थोड़ा प्रेशर और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें लीकेज चेक करने के लिए जहां जहां आपने नए टांके लगाए हैं वहां शैम्पू के झागों का इस्तेमाल करके उसकी लीकेज की भी चेक कर सकते हैं। जहां से दोस्तों लीकेज होगी हमारी, क्या होगा, शैम्पू के जो झाग हैं वहां गुब्बारे से फूलने चालू हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, गुब्बारे से फूलने चालू हो जाएंगे और हमारा लीकेज का पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर 250 से 300 प्रेशर हमारा तकरीबन हो चुका है और गुब्बारे से फूलने एकदम बिल्कुल फूले नहीं है और हमारा जो प्रेशर है दोस्तों पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या काम करना है, इसको कंप्रेसर को हम डायरेक्टली बंद कर देते हैं। हमारा जो प्रेशर है वो 250 यानी कि 300 पूरा हो चुका है। अब इसकी जो जितना भी प्रेशर है आप लोग इसको स्टैंड भी कर सकते हैं एक रात के लिए, अगर माइनस लीकेज है। बाकी इसमें माइनस लीकेज नहीं है तो मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से शुरू शुरू की काफ़ी सारी आवाज़ आएगी, अगर आप लोग खोलोगे तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें करना है दोस्तों, जो पहला स्टेप था हमारा वो हो चुका है इसका फाइनल, यानी कि किसी भी फ्रिज में हम क्या करते हैं, पहले प्रेशर डालते हैं, उसके बाद उसका वैक्यूम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, गैस डालते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना है वैक्यूम। वैक्यूम करने के लिए जो हमारा प्रेशर पाइप है उसको हमें चेंज करना पड़ता है। देखिए कंप्रेसर जो होता है हमारा, वो एक तरफ से प्रेशर देता है और एक तरफ से अपने अंदर को सूंघता है। जैसे कि हम सांस लेते हैं, हम बाहर को भी निकालते हैं और अंदर को भी सूंघते हैं, तो इसी प्रकार से अंदर को सूंघेंगे तो जो बाहर की हवा हमारी अंदर जाएगी, तो इसी प्रकार से जो दोस्तों हमारी जो कंप्रेसर है उसकी जो अंदर हमने हवा डाली है काफ़ी सारी, ये जो कंप्रेसर है हमारा वो सारी हवा निकालकर बाहर की साइड को फेंक देगा, यानी कि बाहर को फेंक देगा। और जब सारी हवा दोस्तों हमारे कंप्रेसर की निकल जाएगी तो उसी वक्त हम क्या करेंगे, इस फ्रिज में गैस डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए किसी भी यानी कि फ्रिज में गैस डालने के लिए दो मीटर का यूज होता है, ये होता है हमारा प्रेशर मीटर। अब होता है हमारा एक वैक्यूम मीटर जिससे हम डायरेक्टली गैस भी डालते हैं, ठीक है। तो आप कोई से भी गैस डाल सकते हैं, लाल से डाल सकते हैं, लाल से एक अंदाजा होता है, बाकी गैस जो होती है दोस्तों इसी से डलती है, ठीक है। जिस प्रकार से आपने प्रेशर डाला था उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। बस फर्क इतना होगा, जो आपने कंप्रेसर लगा रखा है वैक्यूम पंप वाला कंप्रेसर, उसकी जो नालियां दोस्तों वो आप लोगों को बदलनी पड़ेंगी। पहले प्रेशर लाइन में देखिए उल्ली वाली लाइन में था, अब हमने पल्ली वाली लाइन में जो कि सूंघता अंदर उसमें डाल दिया, ठीक है। देखिए इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा जो कंप्रेसर है वो आप लोगों को पहले सबसे पहले इसको खोल देना है। यहां से देखिए बाल जो है हमारा एकदम अच्छी तरीके से खोल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा एकदम क्लियर हो चुका है और लगा देते हैं इसके तार। जैसे ही दोस्तों इसके तार लगाएंगे, उल्ली साइड को जो उल्ला वाला पाइप होता है हमारा, तो वहां से प्रेशर देना चालू हो जाएगा और हमारा जो फ्रिज की जितनी भी अंदर की हवा होती है वो सारी आनी चालू हो जाएगी। उससे पहले आप लोगों को यहाँ से एक बार खोल कर देख लेना है कि हमारी जो नाली है वो अंदर की साइड को इस प्रकार से अंदर चुस्की ले रही है या नहीं ले रही है, ठीक है। चुस्की ले रही है तो दोस्तों अच्छी तरीके से कर दें, नहीं ले रही है तो बाल साल कोई बंद होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारी जो देखिए फिर मैंने कस दिया है यहाँ पर, अब क्या होगा, हमारे फ्रिज के अंदर जितनी भी एयर होगी, गंदगी होगी, सारी की सारी जो ऊपर वाला कंप्रेसर एक्स्ट्रा मैंने लगाया हुआ है उसको वैक्यूम कंप्रेसर बोलते हैं, वो उसकी मदद से सारी की सारी चीज़ हमारी बाहर आ जाएगी और सारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा, यानी कि अंदर का जो सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा। वैक्यूम का पता कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारी जो सुई होती है वो एकदम जीरो पे माइनस पे आ जाएगी इसकी, और वैक्यूम का पता देखिए ये जो सुई है हमारी एकदम माइनस पे आ गई है, देखिए देख सकते हैं। फिर भी आप लोगों को काफ़ी सारा इंतजार करना है, यानी कि 10 से 15 मिनट का इंतजार करना है अगर माइनस पे भी आ गई है, ठीक है।
अब देखिए हमारा जो माइन वो हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर वैक्यूम हो चुका है। अब आप लोगों को इसको लॉक कर देना है बिल्कुल, यानी कि अंदर की हवा द्वारा अंदर को नहीं सूंते, प्रेशर कम यानी फ्रीज हमारा ऐसा होता है बाकी अंदर को सूंत लेता है, तो इस प्रकार से आपको लॉक कर देना है इसको। अब ये वाली जो नलकी है आप लोग खोल देंगे और इस वाले कंप्रेसर का हमारा काम हो गया एकदम खत्म। ठीक हमारे अब तीसरा स्टेप बचा हमारा कि फ्रिज में गैस डालना। ठीक है प्रेशर भी डाल दिया हमने फ्रिज में और हमने क्या काम करा वैक्यूम भी कर दिया, अब होता है गैस डालना। तो यह है दोस्तों एंटीचॉक, आप लोग एंटीचॉक तो जानते होंगे जो कि हमारी गैस को क्लियर चलाता है और कभी भी गैस को चोक नहीं होने देता है, उसी को हम एंटीचॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एंटीचॉक का यूज कर रहे हैं एक इंजेक्शन में भर के, और यह है हमारे पास दोस्तों हाइड्रोकार्बन गैस जिसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है इसका जो प्रेशर होता है वो मैं भी आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से प्रेशर इसका हमें डालना है, किस प्रकार से नहीं डालना है। ठीक है तो सबसे पहले इसका जो बाल हमने बंद किया था उस बाल को डायरेक्टली यहाँ से खोल देंगे, देखिए इस प्रकार से। ठीक है बाल खोलने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे डायरेक्टली इसकी जो गैस है हम खोल देंगे। अभी हमने फ्रिज आप लोगों को चलाना नहीं है, फ्रिज के बिल्कुल भी तार नहीं लगाने हैं। ठीक है देखिए जैसे इस खोलेंगे जो हमारी सुई है वो एकदम इस प्रकार से चल जाएगी, और कभी कभी आप लोगों को छोड़ना है कभी बंद करना है प्रेशर के माध्यम से। ठीक है आपको बंद फ्रिज पे जो प्रेशर रखना है दोस्तों बंद फ्रिज का वो प्रेशर रखना है यानी 40 से 50 के बीच में, 40 है या 50 है उसके बीच में आप लोग प्रेशर डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसका बोलते हैं वैक्यूम तोड़ना, यानी कि जो हमने वैक्यूम करा था उसको तोड़ना। ठीक है तो आप लोगों को यहाँ 50 में डाल देता हूँ प्रेशर दोस्तों, देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन का जो बैक प्रेशर होता है वो 50 ही होता है। ठीक है तो मैंने इसका वैक्यूम तोड़ दिया। अब आप लोगों को क्या काम करना है, हमारा जो फ्रिज होता है उसको आप डायरेक्टली चला देंगे, पहले इसको बाल को बंद कर देंगे जो हमारी ये गैस इधर से इधर नहीं जाए सिलेंडर में। अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली फ्रिज को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है तो फ्रिज को चलाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ स्टेबलाइजर का भी यूज किया हुआ है डायरेक्टली, देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मैंने तार लगाया हमारा जो फ्रिज है वो चल पड़ा है एकदम, देख सकते हैं पंखा भी चल पड़ा है और कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो चुका है। अब दोस्तों हमारी जो मीटर की सुई है वो जीरो माइनस पे आने चालू हो जाएगी, यानी जैसे ही हमने पहले करा तो फ्रिज जो बंद था हमारा तो प्रेशर था हमारा कितना 40 यानी 50। ठीक है अब कितना आ गया माइनस जीरो, कितना आ गया जीरो पे आ गई। अब आप लोगों को यहाँ पर ही गैस अच्छी तरीके से डाल देनी है। ठीक है अब फिर दोबारा बाल को खोलते हैं, अब हमारा काम होता है यहीं से चालू। अब देखिए इस प्रकार से एक साथ में मीटर पकड़ लेता हूँ और उसके बाद क्या काम करेंगे हाइड्रोकार्बन गैस को इसमें फुल करेंगे, यानी कि किस प्रकार से गैस फुल होती है। ठीक है अब जो हाइड्रोकार्बन का दोस्तों स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो तो होता है 40, यानी बंद पे कितना होगा 50 होगा। ठीक है डी फ्रिज में और हम इसको चला देते हैं फ्रिज को, तो दोस्तों जो रनिंग प्रेशर होता है हमारी हाइड्रोकार्बन का वो होता है 10 से 12। ठीक है कितना 10 से 12 ही हमें क्या काम करना है इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो रखना है, तभी हमारी गैस फुल हो पाएगी। ठीक है और एम्पियर से अगर डाल रहे हो तो एम्पियर की बात करें 0.1 या फिर 0.9, यानी 0.9 और 0.1 इतना ही एम्पियर हमारा जो डी फ्रिज है 180-200-250 लीटर तक वो ले पाता है। ठीक है तो इसको हम डायरेक्टली फिल कर देते हैं गैस को, और इसका जो प्रेशर है दोस्तों वो मैं आप कितना बताऊंगा, इसका जो प्रेशर है वो 10 से 12 रख देते हैं यहाँ। ठीक है जैसे ही दोस्तों हमारा ये 10 से 12 प्रेशर हो जाएगा उसी प्रकार से हमारी जो गैस है दोस्तों फिल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी यानी कि फ्रिज में, और हमारा जो काम है दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है तो आप लोगों को बड़े ही सावधानी के साथ ये काम करना है, और मैं मानता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि फ्रिज में गैस किस प्रकार से डालते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो प्रेशर है वो तकरीबन 12 हो चुका है और हमारी जो गैस है दोस्तों फ्रिज की वो कम्प्लीटली हो चुकी है। ठीक है तो इसी प्रकार से दोस्तों आप हाइड्रोकार्बन गैस बड़े ही आसान तरीके से डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होने वाली है। अगर कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों अगर आपकी आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट करें, कमेंट में मेरा नंबर लें, मैं आप लोगों को वीडियो कॉल पर भी सभी सॉल्यूशंस बताता रहता हूं और सभी को मिस्त्री बनाता रहता हूं। ठीक है तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आपने इतना टाइम दिया और इतना आप लोग सीखे, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।